नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है हमारा, ये UGC नेट पेपर फर्स्ट, IBPS और CCC की परीक्षा में बहुत आते हैं। दोस्तों बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा आपको, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से समझ आते हैं, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा आपको। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं बाइनरी और डेसिमल क्या होता है। बाइनरी के जो डिजिट होती है वो होती है 0 और 1, और डेसिमल की जो डिजिट होती है वो 0 और 1 के साथ में सारी संख्या जो होती है वो डेसिमल में आती है। दोस्तों हमने एक बनाई है एक टेबल, इसमें बाइनरी डिजिट और डेसिमल डिजिट को आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे 0 पर जो डेसिमल आएगा वो 0 आएगा, 1 पर डेसिमल 1 आएगा, ठीक है, और 2 पर जो 1 और 0 जो बाइनरी संख्या होगी वो उसका डेसिमल 2 और 2 का डेसिमल 1 0 आएगा, ठीक है। और 1 1 का जो डेसिमल आएगा, आप ऐसे भी इसको उतार सकते हैं, अगर ऐसे भी इसमें आ जाए ये वाला तो आप इसका उत्तर बाइनरी में ये होगा। अगर बाइनरी को आप डेसिमल में चेंज करवाए तो ये होगा, प्रश्न में आएगा बाइनरी को डेसिमल में चेंज करो, ठीक है, 8 को 10 में। तो दोस्तों जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो उसका उत्तर 8 0 आया। हम कैसे चेंज करेंगे इसको देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, क्योंकि 1010 तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं, ठीक है, 00 उत्तर आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम 10 1 0 1 और 0 को बाइनरी से डेसिमल में कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको, बस समझने का है। 10, ठीक है, 10 जो है ये बाइनरी डिजिट है, ठीक है, इसको हमें डेसिमल में बदलना है। सबसे पहले देखते हैं हम दोस्तों कि ये जो संख्या है 1 के बाद कितनी संख्या आ रही है। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ आप समझना, 1 गुणा, ठीक है, इसके बाद में कितनी संख्या है, 2 की पावर 1, ठीक है, प्लस 0 गुणा 2 की पावर 0, क्योंकि इसके बाद में एक भी संख्या नहीं है। कुछ नहीं करना दोस्तों आपको, बस पूछना, सारा क्वेश्चन हो गया। 2 का 1 बार गए 2, 2 का 2, ठीक है, 2 प्लस 0 का 0, 0 का 0, तो कितना हो गया दोस्तों, 2 आ गया। देखा 10 का डेसिमल 0। अगर हम कहें कि 2 डेसिमल को बाइनरी में चेंज करें तो कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम बाइनरी वाला, उसके बाद बताएंगे आपको, ठीक है। अब देखते हैं 100 का, देखते हैं हम बड़ा 100 देखते हैं, ठीक है, इसको हम चेंज करना है डेसिमल में। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं 1 गुणा 2 की पावर, क्योंकि इसमें 2 है तो 2 लगाएंगे आपकी बार, ठीक है, फिर 0 गुणा 2 की पावर 1 प्लस 0 गुणा 2 की पावर 0, तो दोस्तों 2 दूनी 4, 4 गुणा 1, 4, ठीक है। इसका जब हम किसी भी संख्या का 0 गुणा करेंगे दोस्तों 0 आता है हमेशा ही, और इसका भी 0 आएगा, तो कितना आ गया, 4, ठीक है। देखा इसका हमने बाइनरी से डेसिमल बनाया तो कितना आ गया, 4 आ गया। कितना सिंपल दोस्तों, 2 नंबर यूजीसी नेट में फर्स्ट में जरूर आते हैं। अब देखते हैं बड़ा, कुछ बड़ा देखते हैं, ठीक है, 10,000 देखते हैं, मतलब 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, 4 है इसका, तो कैसे करेंगे, 1 गुणा 2 की पावर 4 प्लस 0 गुणा 2 की पावर 3 प्लस 0 गुणा 2 की पावर 2 प्लस 0 गुणा 2 की पावर 1 प्लस 0 गुणा 10 की पावर, ठीक है। दोस्तों देखो अगर 2 का हम पहला 4 और पढ़ेंगे कितना आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणा 1, 16 एकम 16, ठीक है, इसका हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, और दोस्तों इसका भी 0 आएगा, तो इसका उत्तर कितना आ गया, 16,
ठीक है, 1 4 टाइम 0 के बाद में जो डेसिमल करेंगे हम तो उसका कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इसका देख लेते हैं, ऐसे भी इसका 20 आ जाएगा। दोस्तों आप, मैं ऐसा करता हूँ, आप बाइनरी से डेसिमल बनाना सीख गए होंगे। आप किसी भी संख्या उठा सकते हैं दोस्तों, किसी भी संख्या उठा सकते हैं, उसके बाद में आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक है, आप देखते हैं डेसिमल से बाइनरी कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल से बाइनरी। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम 2 का ले लेते हैं। ठीक है, 2 ध्यान से समझना, बड़े आसान है दोस्तों, केड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, 2 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 का पारा जब एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम, क्योंकि यहाँ से हम पढ़ना 2 1 2 2 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास में, 0। हमारा उत्तर क्या है दोस्तों, हमारा उत्तर ये है, यहाँ से लेकर हमको ऐसे चलना है, जब हम डेसिमल में चेंज बाइनरी में करेंगे तो क्या आएगा उत्तर हमारा, 1 और 0। ठीक है, 1 और 0। देखो आप देख सकते हैं आप, ये 2 को 2 डेसिमल है, इसको हमने बाइनरी बनाया तो 1 और 0 आ गया। कुछ नहीं करना दोस्तों, ट्रिक दोस्तों, ट्रिक देखा आपने। अब देखते हैं 10 का बनाते हैं हम। ठीक है, 10 ध्यान से समझना, 10 का हम बनाएंगे बाइनरी। ठीक है, आपके सामने उत्तर भी लिख रखा है, देखो कैसे आएगा उत्तर, 2 का पारा पढ़ेंगे, या तो ये कट जाए या इसके नीचे रहे, एक नीचे रहे एक, या ठीक है जब कट जाएगा 0 बचेगा, तो 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, तो क्या बचेगा हमारे पास में रिमाइंडर में, 0 बचेगा। ठीक है, 5 को फिर काटते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, तो क्या बच गया हमारे पास में, 1 बच गया ना, क्योंकि 5 है, 1 बच गया। ठीक है, अब हम 2 को काटते हैं, 2 को काटते हैं 2 से, 2 एकम कितना बच गया, 2 एकम 2, कितना बचा हमारे पास में, 0 बचा। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं उत्तर इसका, हमने कहा था ऐसे आपको ऐसे चलना है, तो इसका उत्तर क्या आ गया, 1 0 1 0, है ना दोस्तों, कमाल की चीज। तो दोस्तों उत्तर जो मैंने आपको बताया था, 10 का डेसिमल से बाइनरी करना है, तो कितना आ गया, 1 0 1 0। 16 का देखना है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप बस थोड़ा आराम से समझे, 16 का निकालना हमारे काम को। ठीक है, 16 डेसिमल संख्या है, इसको बाइनरी बनाना है हमको, तो 2 से भाग करते हैं। ठीक है, 8 दूनी कितना होगा, 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, तो कितना बच गया हमारे पास में रिमाइंडर में, 0 बच गया। ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखते हो, 2 से 8 को काटना है, 2 से, ठीक है, 2 से काटना है, 4 दूनी 8 हमारे पास में क्या बच गया, 0 बच गया। ठीक है, अब 2 4 को काटना है 2 से, तो 2 दूनी 4 फिर क्या बच गया हमारे पास में, 0 बच गया फिर। ठीक है, अब 2 को काटना है, तो 2 एकम 2 तो क्या बचा, 0 बचा। ठीक है दोस्तों, तो हम उत्तर क्या जाएगा हमारा, 1 0 0 0 और 0। ठीक है, देखा 16 का ठीक है दोस्तों आगे उत्तर, बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ आप सीख गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, मैं उसका उत्तर आपको जरूर भेजूंगा। दोस्तों वीडियो देखने धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।